हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ टॉप एमबीए कॉलेजेस। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप एमबीए कॉलेजेस इन गुरुग्राम, अर्लियर नोन एज गुरगांव। तो टॉप कॉलेजेस कौन से होने वाले हैं इन गुरुग्राम अगर आप टारगेट कर रहे हो थ्रू कैट, जैट, सी मैट, मैट या फिर कोई और एमबीए एग्जाम्स के थ्रू, तो कौन से कॉलेजेस को आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन टू टॉप एमबीए कॉलेजेस, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको गुरुग्राम के बाहर कोई टॉप एमबीए कॉलेजेस देखना है सच एज इंदौर, ग्वालियर या फिर बैंगलोर, वी हैव कवर्ड दीज लोकेशंस एज वेल, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस अगर आप गुरुग्राम के बाहर कोई टॉप एमबीए कॉलेजेस देख रहे हो। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं इन गुरुग्राम। सो लेट्स मूव अहेड विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू एमबीए, बी इट लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशंस, लाइव पेपर एनालिसिस और वर्कशॉप्स और इवन लाइव स्ट्रीम्स विल बी फर्स्टली अवेलेबल ऑन मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस। तो अगर आप ये वीडियो मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस चैनल पर देख रहे हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर एजुकेशन देन द लिंक फॉर मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। इफ यू वॉन्ट स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट आर नंबर 8828 1455 और 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आर सेंटर्स वसई, दादर, बोरिवली, थाने एंड वी आर सून कमिंग अप विद अ न्यू सेंटर इन पुणे एज वेल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, फुल एंड देन सेक्शनल मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रेटजीज एंड लॉट मोर थिंग्स। सो व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। नाउ द फर्स्ट कॉलेज ऑन अ लिस्ट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फेमसली नोन एज MDI गुड़गांव। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज व्हेन इट कम्स टू गुरुग्राम। कैट और GMAT का स्कोर ये एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इन दोनों के एग्जाम्स के थ्रू इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमेशा से ये गुरुग्राम में नंबर वन पे रैंक होता है कॉलेज। इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखते भी हैं बिकॉज काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज भी है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, अलुमनाई नेटवर्क और प्लेसमेंट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। एस्टैब्लिश हुआ था 1973 में। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 24,16,000 आपकी फ़ी स्ट्रक्चर होगी फॉर टू ईयर्स ऑफ योर MBA। तो ये एक IIM के मुकाबले की फ़ीस आपको यहाँ पर देनी होगी। बट येस, जो कि मैंने आपको बोला, जो भी आपको फैसिलिटीज़ आप यहाँ से प्रोवाइड होगी अलॉन्ग विद क्वालिटी एजुकेशन, वो टॉप नॉच होगा। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 60 लाख पर annum का यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज देखने को मिलेगा। एवरेज 43.02 और मीडियन 26.13 लाख का। तो अगर एवरेज और मीडियन की भी बात करें तो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर के लगभग मीडियन प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा और एवरेज आपकी फ़ी स्ट्रक्चर से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। आपको काफ़ी टॉप लेवल वाला जो है आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज़ की अगर बात करें तो एडिडास, एशियन पेंट्स, सिप्ला, डॉक्टर रेडीज या फिर फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको यहाँ पर रिक्रूट करने आएंगी। इसको आपको डेफिनेटली नंबर वन पर रखना चाहिए। MDI गुड़गांव शुड ऑलवेज बी अ गो टू इंस्टीट्यूशन फॉर यू ऑल। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वी हैव JK बिजनेस स्कूल। और ये जो एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं वो है कैट, जैट, मैट, GMAT, CMAT और ATMA। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा देते हैं यहाँ पर, इनके थ्रू आप इनको टारगेट कर सकते हो। एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 8 लाख की इसकी फ़ीस होने वाली है फॉर टू ईयर्स ऑफ MBA। तो आपको काफ़ी एक मिनिमल रेंज वाला फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 24 लाख पर annum, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 8.6 लाख पर annum का। तो ये भी काफ़ी डिसेंट लेवल पर आपको ROI प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि इसकी अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, मिनिमल रेंज में आती है, अंडर 10 लाख। और हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज भी आपको 24 लाख का देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्लेसमेंट रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। HDFC, Schneider, Infosys, Envision जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर रिक्रूट करने आएंगी। काफ़ी बढ़िया कैंपस, एलुमनाई नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन यहाँ से गारंटीड आपको मिलने वाला है। और अगला जो कॉलेज आता है वो है सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये कैट और मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। आप इंस्टीट्यूशन देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूशन है। 2.5 लाख रुपये इसकी फ़ीस होने वाली है फॉर टू ईयर्स ऑफ MBA। तो काफ़ी अगेन एक मिनिमल फी स्ट्रक्चर वाला कॉलेज। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो ठीक ठाक आपको 7 to 8 लाख पर annum का, एवरेज भी 4.5 लाख पर annum का, एक गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। जारो एजुकेशन, बायजूस, डाइसन जैसी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर रिक्रूट करने आएंगी। तो ये भी आप टारगेट कर सकते हो अगर आप एक बजट फ्रेंडली कॉलेज
देख रहे हो. नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. तो ये कैट, मैट, सी मैट और जैट के एक स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आसपास काफ़ी ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलती है. 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था. 2 लाख रुपये इसकी फीस होगी फॉर योर 2 ईयर्स ऑफ MBA. तो अगेन एक मिनिमल फी स्ट्रक्चर वाला कॉलेज. हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 20 लैक्स पर एनम का. एवरेज प्लेसमेंट पैकेज भी बहुत ही अच्छा, 8 लैक्स पर एनम, और मीडियम भी 3 लैक्स पर एनम. तो कहीं ना कहीं आपको पैकेजेस जो हैं आपकी फ़ी स्ट्रक्चर से ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे. अमेजॉन, कैनन, सैमसंग, ओरेकल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको रिक्रूट करने आएंगी. इसको भी आप टारगेट कर सकते हो, एक बजट फ्रेंडली कॉलेज. देन वी हैव MIT बिजनेस स्कूल. इनके कई सारे कैंपसेज हैं. आज हम गुड़गांव कैंपस की बात करेंगे. कैट, मैट, जी मैट और GRE जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स को ये एक्सेप्ट करते हैं. 99 में एस्टैब्लिश हुआ था. 4,08,000 इसकी फ़ी स्ट्रक्चर फॉर योर 2 ईयर्स ऑफ MBA. तो अगेन एक मिनिमल फ़ी स्ट्रक्चर है, बिकॉज 5 लाख से भी कम आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा वो है 45 लाख पर एनम एस योर हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज. और एवरेज की बात करें तो 5 लाख पर एनम का. एबर्ट, एक्सेंचर, एडोबी, अमेजॉन और अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आपको रिक्रूट करेंगी. इनके कई सारे कैंपस, आप कोई भी कैंपस टारगेट कर सकते हो. टॉप नॉच एजुकेशन यहाँ से गारंटीड है. देन वी हैव KR मंगलम यूनिवर्सिटी. कैट, मैट और जी मैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. यूनिवर्सिटी देखने में काफ़ी अच्छी है. एस्टैब्लिश हुआ था 2013 में. फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,70,000 यहाँ पर फॉर योर 2 ईयर्स. तो अगेन एक बहुत ही मिनिमल फी स्ट्रक्चर वाला कॉलेज, जो कि 5 लाख के अंडर आपको अच्छा एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस अच्छा प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है. हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 15 लाख पर एनम, और एवरेज की बात करें तो 5 लाख पर एनम. डीकैथलन, गूगल, IBM, सीमन, जेबिया जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ पर रिक्रूट करने आएंगी. आप कॉलेज देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छी है. तो डेफिनेटली आपको यहाँ से भी अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव BML मुंजल यूनिवर्सिटी. कैट, NMAT, मैट, GMAT, CMAT, ZAT, या फिर ये उनका खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो है BMU MAT. अगर आपने ये सारे एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप BMU MAT के थ्रू भी इस कॉलेज में जा सकते हो. काफ़ी बढ़िया कॉलेज, 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो काफ़ी पुराना भी कॉलेज है. फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 13 लाख का इसका फ़ी स्ट्रक्चर होगा फॉर योर 2 ईयर्स ऑफ MBA. तो इसको मैं मॉडरेट वाली रेंज में डाल दूंगा, बिकॉज 10 लाख के ऊपर आपकी ये फ़ी स्ट्रक्चर जा रही है. और अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है 32.21 लाख पर एनम का, और एवरेज 8.8, मीडियन भी 8 लाख पर एनम का. तो ये एवरेज और मीडियन में अच्छी है. अच्छी बात यह है कि ये 8 लाख रुपीज़ की रेंज में आते हैं. Amazon, Hero, KPMG, Hyundai, TVS जैसी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर रिक्रूट करेंगी. इसको भी आप टारगेट कर सकते हो. अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो ये कॉलेज भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव ICFAI बिजनेस स्कूल, IBS गुड़गांव. तो इसको IBS के नाम से भी जाना जाता है. कैट, GMAT, NMAT और ZAT का स्कोर ही एक्सेप्ट करता है. 95 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो पुराना कॉलेज है और काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज भी है. 9 लाख रुपीज़ की फ़ी स्ट्रक्चर है फॉर योर 2 ईयर्स. जिस हिसाब का कॉलेज है उस हिसाब से फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी मिनिमल आपको देखने को मिलती है. हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 22.93 लाख पर एनम का एवरेज, 12 लाख पर एनम का, और अगेन एक डिसेंट ROI आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. अमेजॉन, HDFC, एक्सेंचर, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर रिक्रूट करती है. कॉलेज भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी नामचीन कॉलेज भी है, तो आप इसको टारगेट ज़रूर कर सकते हो. देन वी हैव GD गोयनका यूनिवर्सिटी. ये सिर्फ और सिर्फ मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर, आप और कोई एग्जाम का स्कोर नहीं चला सकते. एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2013 में. 3,87,000 इसकी फ़ी स्ट्रक्चर फॉर योर 2 ईयर्स. तो अगेन एक मिनिमल फ़ी स्ट्रक्चर वाला कॉलेज. और प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 17.5 लाख पर एनम, एवरेज 5.32 लाख पर एनम. अमेजॉन, ANZ, डिलॉयट, एबॉट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आपको रिक्रूट करेंगी. कैंपस आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड कैंपस है ये. इंफ्रास्ट्रक्चर, एलुमनाई नेटवर्क आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा. देन वी हैव ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. ये काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है. इनका एक और एक कैंपस है चेन्नई में, बट हम आज बात करने वाले हैं गुड़गांव कैंपस की. तो ये कैट, GMAT, ZAT और CMAT के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द एंट्रेंस एग्जाम. 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ था. 11,90,000 इसकी फ़ी स्ट्रक्चर है. तो अगेन 2 साल के लिए थोड़ी मॉडरेट सी फ़ी स्ट्रक्चर, बट इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो, बिकॉज इसका जो प्लेसमेंट स्टार्ट्स है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है 33.3 लाख पर एनम का, और एवरेज है 15.8 लाख पर एनम का. तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लेवल का यहाँ पर आपको ROI देखने को मिलता है. मीडियम की अगर बात करें तो भी 13 लाख पर एनम का. तो जितनी आपकी फ़ी स्ट्रक्चर है उससे आप ज़्यादा ही यहाँ से मीडियम पैकेजेस भी ले सकते हो. एन, टैली, सुजुकी, मारुति, MTR जैसी बड़ी कंपनीज आप यहाँ पर हायर करने आएंगी. आप ये वाला कैंपस या फिर इनका चेन्नई कैंपस भी टारगेट कर सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो.
GMAT, CAT, ZAT एंड MAT का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। काफ़ी सॉट आफ्टर कैंपस है ये। 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। फी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड, 13,40,000 फॉर 2 ईयर्स। तो इसको मैं अगेन एक मॉडरेट लेवल वाली फी स्ट्रक्चर में डाल दूंगा। हायर प्लेसमेंट पैकेज 20 लाख पर एनम का, एवरेज 9.7 लाख पर एनम और मीडियन 9.8। तो एवरेज और मीडियन में अच्छा है कि ये 9 लाख रुपीस की रेंज में स्टैंड करते हैं। जोमेटो, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट एंड विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पर टारगेट करने को आएंगी। तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए। तो आपको प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप कि जितने भी टॉप कॉलेजेस थे गुड़गांव में हम उनको कवर कर पाएँ और आपको भी पता चल गया होगा कि कौन सी बड़ी इंस्टीट्यूट्स को आपको टारगेट करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग टू परस्यू योर 2 ईयर्स ऑफ MBA फ्रॉम गुरुग्राम। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं गुरुग्राम में, या फिर अगर आप गुरुग्राम से बाहर कोई कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो वी हैव कवर्ड दी लोकेशन सच एज बैंगलोर, इंदौर एंड ग्वालियर एज वेल। तो आप उन सारे लोकेशंस को भी चेकआउट कर सकते हो फॉर द टॉप कॉलेजेस। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और कोई लोकेशन अगर कवर करनी हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू, विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम। वंस अगेन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर MBA एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर आप ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो तो लिंक फॉर मैन्युअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।